तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो एक्सेसरीज लेते हो, पहले तो प्रेफर करो कि कंपनी से ज्यादा आप एक्सेसरीज निकाल सको, और ये उनके लिए एक्स्ट्रा पे करने की कोशिश मत करो। आप जितना डील नेगोशिएट करा सकते हो किसी भी ब्रांड से, किसी भी डीलर से, उतना आपके लिए बेटर होता है, और आपको कंपनी फिटेड एक्सेसरीज मिलती हैं। अब उनके दो फायदे होते हैं, पहला तो वारंटी में दिक्कत नहीं आती, और दूसरा आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता और मार्केट वगैरह घूमना नहीं पड़ता। तो इसलिए कुछ ऐसी एक्सेसरीज थी जो हमें प्रोमिस की गई थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बट बहुत सारी उसमें से प्रेजेंट नहीं थी उस टाइम चिंचा, तो वो आज हम लगवाने आए हैं, और जो कि हमने किसका एक्स्ट्रा पैसा कुछ पे नहीं किया, ये हमारे ही पैक में इंक्लूडेड था जो कि हमने नेगोशिएट कर कह लो या और कुछ कह लो, बट इससे डेफिनेट फ़ायदा होता है और आपकी जो वारंटी वगैरह है वो बच जाती है। एक्सेसरीज लगवाने का दिन और चार एक्सेसरीज रह गई थी हमारे मड फ्लैप सामने, यहाँ पे फोग लैंप लगेंगे, नंबर प्लेट लगेगी और गार्निशिंग लगेगी, ये सारा सामान आ गया। हमने फोग लैंप भी यहीं से लिए थे और लेने को हम बाहर से भी ले सकते थे, बट वारंटी गारंटी का इशू रहता है, बट यहाँ पे काफी अच्छी चीज मिल गई थी हमें, डील मिल गई थी, इसलिए हमने यहीं से ही ये एलईडी वाले, ये वाले लगेंगे, नीचे से फिटिंग होगी भाई, अंदर से यहाँ से ना ना ड्राइव करने का कोई यूज नहीं है। तो वायरिंग कहाँ पे होती है वैसे, बैटरी से डायरेक्ट आती है ना? दो महीने में लगती है, मेरे को अंदर से वो नहीं है कि वायरिंग जो होती है कि करंट ज़्यादा खींचती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बाहर वाले क्या ना डायरेक्ट पार्किंग की लाइट में जो हो जाती है, हाँ उससे उस पर इफेक्ट आता है, दिक्कत आती है। इसमें जोड़ देते होंगे ये जो मेन है, पानी है हर जगह। ये कहाँ लगेगा बैटरी? ऐसे मतलब कंपनी सारा स्लॉट पहले ही दे देती है जो भी फ्यूचर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना? अगर कस्टमर कराता है तब भी ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही रहता है। ऑप्शन इन केस कभी भी लगवाता है, जो कंपनी के लगवाता है, हाँ। तो इसमें कनेक्ट होती है, जो बाहर के लगवाता है तो मड फ्लैप, मड गार्ड वो भी लग गए। जो जिसमें चारों लोग लगते हैं। अच्छा, तो वैसे ये आइडिया कैसे कि यहीं पे होल करना है? ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी वो दे रखे होंगे निशान। मड फ्लैप की बारी, फाइनल लाइट, क्रोम हो गया, मड फ्लैप हो गया, मड गार्ड हो गए, सारा साइड का हो गया, आगे का हो गया, फोग लैंप हो गए, अब यहाँ से फाइनल हो गया, बस एक चीज रह गई है, अब इसमें रह गए सीट कवर, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं बचा है, सीट कवर और थोड़ा बहुत अंदर का, अंदर की एक्सेसरीज बची हैं, बाहर का तो कुछ नहीं बचा है, अंदर के वो भी मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है? तो फाइनल काम अब ये लग गया है, देखो अब बाहर से बहुत सारे लोग हैं ना और क्रोम लगवा लेते हैं साइड में भी, यहाँ पे एक गाड़ी आई थी दिखानी, पीछे भी एक जो बम्पर गार्निशिंग होती है वो भी लगवा लेते हैं, तो ज़्यादा ओवर भी नहीं, इस पर भी क्रोम लगवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्रोम करोगे तब भी दिक्कत आती है, अच्छी नहीं लगती गाड़ी की लुकिंग, बेकार हो जाती है, नॉर्मल क्रोम होना चाहिए बस। परफेक्ट।